हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। पाठ नंबर 5, दैनिक जीवन में रसायन। कि दैनिक जीवन में रसायन, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार, यानी वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा आपको समझाई। कि वैज्ञानिक आरेनियस ने सन 1887 में अम्ल क्षार से संबंधित एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया। साथ ही मैंने आपको उदासनीकरण अभिक्रिया, कि उदासनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। और अंत में आपको बता दिया था कि उदासनीकरण अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ये अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, और इससे उत्पन्न हुई ऊष्मा को हम उदासनीकरण की ऊष्मा भी कहते हैं। इतना आपको समझाया था। साथ ही बताया था कि एक नया टॉपिक जो है इसमें अम्ल क्षार की जो परिभाषा है ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार, तो वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। तो पहले प्रिय छात्राओं प्रश्न नोट कर लेना। क्या कर लेते हैं? पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी मैं आपको व्याख्या करूंगा। तो देखिए, पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं। तो देखिए, ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार, यानी एक दो वैज्ञानिक हुए थे, एक तो कौन हुआ था, यानी एक वैज्ञानिक था, यानी ब्रॉस्टेड था, ब्रॉस्टेड था। दूसरा कौन सा था? लॉरी था। कौन सा था? लॉरी। तो ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार, तो लिखना ब्रॉस्टेन लॉरी, ब्रॉस्टेन लॉरी, ब्रॉस्टेन लॉरी संकल्पना के अनुसार अम्ल तथा क्षार को समझाइए। यानी ब्रॉस्टेन लॉरी संकल्पना या परिकल्पना एक ही बात है, चाहे कॉन्सेप्ट चाहे अवधारणा एक ही बात होती है। तो देखिए, ब्रॉस्टेन लॉरी संकल्पना के अनुसार, के अनुसार अम्ल क्षार को समझाइए, के अनुसार, के अनुसार अम्ल क्षार को समझाइए। ध्यान देना, के अनुसार अम्ल क्षार को समझाइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, इस पार से जो आपका प्रश्न आता है, तो देखिए सामान्य भी अम्ल क्षार की परिभाषा नहीं पूछेगा। प्रश्न दे दे भाई कि वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार, यानी वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार, यानी वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार नंबर दूसरा आ जाए आपका, जैसे दूसरी परिभाषा कौन सी हो गई, यानी ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार। तीसरा आया इसमें लुइस के अनुसार, लुइस के अनुसार अम्ल क्षार की परिकल्पना, किसके अनुसार? लुइस के अनुसार, यानी वैज्ञानिक लुइस के अनुसार अम्ल क्षार की परिकल्पना। तो इसमें देखो चार तरह की अम्ल क्षार की परिभाषा, एक तो सामान्य परिभाषाएं हो गई है, सामान्य परिभाषाएं कि भाई अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये फिर दूसरी परिभाषा कौन सी हो गई, वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार हो गई, किसके अनुसार हो गई, वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार। और तीसरी आपको समझाने जा रहे हैं कि ब्रॉस्टेन लॉरी संकल्पना के अनुसार अम्ल तथा क्षार को समझाइए, अम्ल तथा क्षार को, अम्ल क्षार को समझाइए। तो नोट कर लेना पहले प्रश्न को, और अब समझिए। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद फिर इसका हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा विस्तार, बाद में इसको आपको बताएंगे। तो पहले आप इसका क्या कीजिए, समझ लो, उसके बाद फिर इसको विस्तार से लिखाएंगे। तो पहले आपको केवल इसको समझना ही समझना है, ठीक है ना? अभी लिखना नहीं, लिखाऊंगा तो मैं बोर्ड पर। तो सुनिए कि एक डेनिस वैज्ञानिक था, एक डेनिस वैज्ञानिक, यानी डेनिस देश का एक वैज्ञानिक था, जोहान्स ब्रॉस्टेड। कौन था? जोहान्स ब्रॉस्टेड, यानी डेनिस का रहने वाला था, डेनिस का एक रसायन ज्ञाता था, रसायन शास्त्र का ज्ञाता था। कौन था? यानी जोहान्स ब्रॉस्टेड था। ध्यान देना, लिख रहा हूं मैं इसको, अभी नोट मत करना, केवल समझने के उद्देश्य से लिखो, पूरा विस्तार में अभी बाद में लिखाऊंगा। तो सुनिए, एक डेनिस था, कौन से देश का रहने वाला था? डेनिस का। और डेनिस का जो था एक वैज्ञानिक था या रसायन ज्ञाता था, जिसका नाम है जोहान्स, पूरा नाम देखना उसका, पूरा नाम है ये जोहान्स ब्रॉस्टेड, ठीक है ना? जोहान्स ब्रॉस्टेड था। कहां का रहने वाला था ये? ये डेनिस का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? डेनिस का। तो डेनिस का एक वैज्ञानिक था अपना जोहान्स, जोहान्स ब्रॉस्टेड था। और एक अंग्रेजी रसायनिक था, यानी अंग्रेजी एक रसायन ज्ञाता था, अंग्रेजी वैज्ञानिक या रसायन ज्ञाता, क्योंकि रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इसलिए रसायन ज्ञाता कहते हैं। तो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था, और अंग्रेजी वैज्ञानिक जो था, अंग्रेज वैज्ञानिक था, ध्यान देना, अंग्रेज लिख, समझना इसको, अंग्रेजी भी लिख सकते हैं एक ही बात है, लेकिन अंग्रेज लिख लो, अंग्रेज वैज्ञानिक था। कौन सा? थॉमस एम लॉरी, पूरा नाम है इसका थॉमस, यानी थॉमस, थॉमस एम लॉरी,
थॉमस एम लॉरी, समझना मेरी बात को, ध्यान दे के समझो, अब ये लिखना नहीं है, केवल समझना समझना है, तो ध्यान देना कि डेनिस का एक वैज्ञानिक था, यानी डेनिस का एक रसायन शास्त्र का ज्ञाता था, यानी जोहान्स ब्रोस्टेड, कौन था, जोहान्स ब्रोस्टेड था, और एक अंग्रेज, जो कौन सा था, अंग्रेज था, यानी एक अंग्रेजी वैज्ञानिक कह लो या चाहे एक अंग्रेज, जो ये अंग्रेज था, यानी जिसका पूरा नाम क्या है, थॉमस एम लॉरी, थॉमस एम लॉरी, यानी दो वैज्ञानिक थे, थॉमस एम लॉरी, आरिवासन थॉमस एम लॉरी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अम्ल क्षार को क्या किया, प्रवासित किया, यानी ब्रोस्टेन लॉरी जो थी, ब्रोस्टेन लॉरी इनके शॉर्ट नाम हो गए, यानी जॉन्स ब्रोस्टेड का क्या ले लिया, ब्रोस्टेन ले लिया, थॉमस एम लॉरी का क्या सब ले लिया, लॉरी ले लिया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ब्रोस्टेन लॉरी संकल्पना बोल दिया। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटोन दाता होते हैं, यानी वे पदार्थ जो प्रोटोन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो प्रोटोन दाता होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोन दाता होते हैं, आई बासन जो प्रोटोन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल, क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जो प्रोटोन ग्राही होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोन ग्राही, और जो प्रोटोन ग्राही जो होते हैं, समझना, प्रोटोन ग्राही जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार, क्या कहलाते हैं, क्षार, यानी बेस कहलाते हैं, एसिड और बेस। तो अम्ल क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटोन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटोन ग्राही होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार। ये उन्होंने, यानी डेनिस जो अपना था रसायन जो ज्ञाता था, जोहान्स ब्रोस्टेड, और एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था अपना थॉमस एम लॉरी, इन्होंने अम्ल और क्षार की एक परिकल्पना प्रस्तुत की, और इनके अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटोन क्या होते हैं, दाता होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, यानी वे पदार्थ जो प्रोटोन क्या होते हैं, दाता होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटोन कैसे होते हैं, ग्राही होते हैं, प्रोटोन कैसे होते हैं, ग्राही होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और इन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक की भी अवधारणा प्रस्तुत की। आई बात समझ में? तो प्रोटोन दाता का क्या अर्थ है, समझना, जब देखिए वैज्ञानिक आरेनियस ने बताया था, वैज्ञानिक आरेनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, OH या हाइड्रोसिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ये वैज्ञानिक आरेनियस ने बताया। अब कह रहा है इसमें एक शब्द ध्यान देना, उसमें तो एच आयन और OH आयन आ रहा था, और एच आयन को आप हाइड्रोजन आयन कह रहे थे और OH आयन को आप हाइड्रोक्साइड आयन कह रहे थे या हाइड्रोसिल आयन कह रहे थे। अब इसमें उसने एक स्पेशल वो चीज़ और दी है कि प्रोटोन दाता, तो समझिए प्रोटोन दाता का अर्थ क्या है कि भाई समझना, प्रोटोन यानी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन, यानी अपने परमाणु के तीन मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा होता है, धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, जिसकी खोज 1932 में जेम चैडविक ने की थी, 9th में पढ़ाया आपने तीनों के बारे में। तो अब समझना प्रिय छात्र छात्राओं, बच्चों ध्यान देना कि प्रोटॉन दाता क्यों क्या है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जब उदाहरण इसमें जब आपको स्पष्ट करूंगा मैं उदाहरण से, तो जो एच आयन है, यानी क्या है, एच आयन है, एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन है, क्या है, हाइड्रोजन आयन है, तो एच आयनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, यानी एच आयन जो होते हैं हाइड्रोजन आयनों का परस्पर क्या होगा, आदान प्रदान होगा, यानी एच आयन जो देगा हाइड्रोजन आयन दो देगा दाता, तो वो क्या होता है, अम्ल, जो लेगा वो क्या होगा, क्षार। तो आप जानते हैं कि जो अपना क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, समझना। हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, और जब उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, समझना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का मतलब कैसा होता है, धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक। आई बात है प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका परमाणु भार भी 1.008 के लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। आई बात समझ, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है 9th में कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इसलिए जो अपने क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, विद्युत क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं। आई बात समझे, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, प्लस में,
और प्रोटॉन पर भी कौन सा आवेश होता है? प्लस, इसलिए इसको प्रोटॉन दाता के नाम से जानते हैं, समझ रहे हैं ना। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की संयोजकता किसमें होती है? प्लस में। और प्रोटॉन पर कौन सा होता है? प्रोटॉन में भी कौन सी होती है? प्लस संयोजकता होती है, इसलिए इसको प्रोटॉन दाता कह देते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपके सामान्य वे थी। तो देखिए अब इसका मैं उत्तर लिखा देता हूँ, पहले जहाँ तक मैंने आपको समझाया है इसको अब नोट कर लेना, उसके बाद फिर उदाहरण से आपको पूरा विस्तार इसको बताएंगे। तो अब नोट कर लेना प्रिय छात्र छात्राओं, तो ध्यान दीजिए बोर्ड तरफ, लिखना कि डेनिस, ध्यान देना डेनिस, नोट करना इसको, क्या नाम था वैज्ञानिक का? जोहान्स ब्रोस्टेड, पूरा नाम लिखना जोहान्स, जोहान्स सा बनाना है साहेब, यानी क्या नाम था? जोहान्स ब्रोस्टेड, क्या नाम था? जोहान्स ब्रोस्टेड, तथा अंग्रेजी, यानी एक अंग्रेजी यानी अंग्रेज वैज्ञानिक था, और अंग्रेजी जो था अंग्रेज वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? थॉमस एम लॉरी, यानी थॉमस एम लॉरी पूरा नाम था उसका, थॉमस एम लॉरी, इसलिए इनके नाम पर। देखो इसका जॉन्स ब्रोस्टेड का क्या ले लिया? ब्रोस्टेड ले लिया, इसका क्या ले लिया? लॉरी, इसलिए संकल्पना को क्या कह दिया? ब्रोस्टेड लॉरी कह दिया, क्या कह दिया? ब्रोस्टेड लॉरी कह दिया। तो देखिए अंग्रेज रसायन कौन थे? थॉमस एम लॉरी, कौन थे? लॉरी ने अम्ल और क्षार की, ने अम्ल और क्षार की, किसकी? अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की संकल्पना प्रस्तुत की, अम्ल और क्षार की क्या की थी? संकल्पना प्रस्तुत की, ध्यान देना अम्ल क्षार की संकल्पना प्रस्तुत की, आई बात समय? अम्ल और क्षार की संकल्पना प्रस्तुत की, आई बात समय? इनके अनुसार, ध्यान देना कि इनके अनुसार, इनके अनुसार, और इनके अनुसार हैंड डालना, उस लाइन को छोड़ देना, अगली लाइन से हैंड डाल लेना, अम्ल क्या डाल देंगे? अम्ल एसिड। और अब डेफिनेशन लिख देना, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, नोट करना इस बात को, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, यानी वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। एसिड कहलाते हैं, यानी जो प्रोटॉन क्या करते हैं? देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, देने वाले दाता, यानी दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, आई बात समझे? जो वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी दूसरे क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, और जब प्रोटॉन दे रहे हैं तो क्या हो गए? दाता हो गए, और ग्रहण कर रहे हैं तो क्या हो गए? ग्राही हो गए, क्या हो गए? ग्राही। तो जो देते हैं वो अम्ल, लेते हैं क्षार, तो अब क्षार की परिभाषा लिख लेना, हैंड डाल लेना क्षार, और क्षार में नोट करना कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं, यानी वे पदार्थ जो क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ध्यान देना क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही, यानी जो प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्षार कहलाते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, नोट कर लेना भाई। तो देखिए ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूँ,
और उसमें मैंने आपको बताया कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इस लाइन को नोट कर लो पहले, जब पूरा विस्तार बताऊंगा कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक क्या होते हैं। इन्होंने संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षारक, किसकी, संयुग्मी क्षारक की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी किसकी, क्षारक की। इन्होंने संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षारक की अवधारणा क्या की थी, प्रस्तुत की। इन्होंने संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षारक या क्षार, ठीक है ना, क्षारक की अवधारणा प्रस्तुत की। तो नोट कर लेना है चीज को, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, प्रस्तुत की। तो ये आपका इतना, अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ मैं आपको, और उदाहरण के द्वारा देखना समझ में आपके में आ जाएगा पूरा विस्तार इसका। तो देखिए भाई, HA, समझना मेरी बात को, ये कोई अम्ल है और क्या कर रहा है, अभिकारक है, और एक V, ये क्या है, कोई क्षार है, समझना, ये HA क्या है, कोई अम्ल है, और ये क्या है, कोई क्षार है, यानी अभिकारक हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया क्या करा रहे हैं, प्रारंभ करा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं। मैंने आपको बताया था, समझना, गौर देना, कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं, कि जो रासायनिक अभिक्रिया क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। और जो क्रिया के अंत में प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया फल या उत्पाद के नाम से जाने जाते हैं, यानी क्रियाकारक कोई अभिकारक, अभिकारक कोई अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो ये किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, क्रियाकारक परस्पर क्रिया करते हैं, तो क्रिया के अंत में क्या प्राप्त होता है, उत्पाद या क्रियाफल प्राप्त होता है। क्रियाफल और क्या यह होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप समझना कि भाई HA कोई अम्ल है और V क्या है, कोई क्षार है। अब देखना कि अभिक्रिया के बाद, यानी अभिक्रिया के बाद, समझना, A यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो प्रोटॉन दाता, हाइड्रोजन क्या होगा, प्रोटॉन दाता है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, ये A से अम्ल से किसके साथ जुड़ जाएगा, B के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए, B के साथ जुड़ गया कौन, हाइड्रोजन, समझना, B के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, B के साथ हाइड्रोजन तो नहीं, प्लस, और इसकी संयोजकता किसमें हो जाएगी, माइनस में, किसमें हो जाएगी, माइनस में। आई बात समझ, किसमें हो जाएगी, माइनस में, आ रही बात समझ में। तो देखिए, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है, यानी अभिकारक है, क्रिया की। तो देखिए, अम्ल से ये क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, तो प्रोटॉन दाता मतलब ये अपने क्या है, प्रोटॉन दाता मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन दान दे रहे हैं तो देखिए, और क्षार क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं, ग्राही होते हैं, तो ग्राही होते हैं तो क्या हो जाएगा, HBA के इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया इन्होंने, ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और इन्होंने, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दान में दे दिया है। अब देखिए कि जो यहाँ पर अम्ल है, समझने बात को, जो यहाँ पर अम्ल है क्रियाकारक में, वो यहाँ पर उत्पाद में संयुग्मी क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा। आई बात समझ में। और जो क्रियाकारक में क्षार है वो अभिक्रिया में के अंत में जो क्रिया फल बना है उसमें क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल, कैसा अम्ल, संयुग्मी अम्ल, क्योंकि युग्म के द्वारा, यानी किसी युग, संयुग्मी अम्ल, भाई अम्ल संयुग्मी अम्ल क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसने ग्रहण किया है, क्या किया है, ग्रहण किया है, किया कि नहीं किया है भाई, हाइड्रोजन इसमें देखो HA था, यहाँ केवल क्या है, B है, एक उदाहरण से आया हूँ, ए बी, तो ये क्या है, कोई अम्ल है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, B है। अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया, केवल A रह गया, और यहाँ क्या जुड़ गया, HB, तो इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसने देखो क्या किया है, यहाँ पर त्यागा है।
अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दाता होते हैं, तो देखो जो पता है जो प्रोटॉन दाता, किसने दान किया है, HA ने तो दान दिया है, तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। और जिसने क्या किया है, ग्रहण किसने किया है, B ने किया, तो क्या हो गया, क्षार हो गया। लेकिन क्रियाफल में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, जो यहां पर अम्ल है वो यहां क्या हो जाता है, क्षार। लेकिन कैसा क्षार, संयुग्मी क्षार। कैसा क्षार, संयुग्मी क्षार हो जाता है, आई बात समझ। और जो यहां पर क्षार है, किसमें, क्रिया कारक में जो क्षार है, क्षार कौन था, बी, क्यों, इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, बी ने तो ग्रहण किया है भाई, यहां तो ग्रहण किया, तो इधर क्या हो गया, क्षार। तो क्रियाफल में क्या हो जाएगा, वो संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, आई बात में क्या हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल, यानी जो अम्ल है वो ना संयुग्मी क्षार, जो ना क्षार है वो संयुग्मी अम्ल। ये HA अम्ल क्यों हुआ, HA अम्ल इसलिए हुआ क्योंकि इसने प्रोटॉन क्या किया है, दाता है, प्रोटॉन दिया है, तो जो देते हैं वो अम्ल और जो ग्रहण करते हैं वो क्या है, क्षार, आई बात समझ में, वो क्या होते हैं, क्षार। अब जिसने क्या किया है, अम्ल क्या किया है, दिया है, तो वो क्या हो गया, जिसने यानी प्रोटॉन दिया है वो क्या हो गया, अम्ल, जिसने प्रोटॉन ग्रहण किया है वो क्या हो गया, क्षार। तो जो ना अम्ल है वो क्रियाफल में क्या होगा, संयुग्मी क्षार होगा, क्या होगा, संयुग्मी क्षार होगा। और जो यहां पर क्षार है वो क्रियाफल में क्या होगा, संयुग्मी अम्ल होगा, क्या होगा, संयुग्मी अम्ल। तो नोट कर लेना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको समझाई। तो देखिए नोट करना है इसको कि HA किस में बदल गया, यानी HA किस में बदल गया, A में, किस में बदल गया, A में, और संयोजक किस में आ गई, माइनस में, किस में आ गई, माइनस में, ठीक है ना। को संयुग्मी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, को संयुग्मी क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, यानी क्या कहते हैं इसको, संयुग्मी क्या कहते हैं, क्षार कहेंगे इसको, भाई ये अम्ल था, आई बात, को अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, क्या कहते हैं इसको, अम्ल संयुग्मी क्षार। तो इसको देखो दोबारा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको दोबारा लिखना, तो देखिए लिखना इसको, अब देखिए HA से किस में बदल गया, H ऋणात्मक हो गई, को क्या बोलेंगे, अम्ल, को अम्ल, तो अम्ल यही तो है भाई, इसने दिया है किसको, क्या किया इसने, दिया है, दिया है तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, और दिया किसको है, B को, किसको दिया है, B को। तो देखिए HA से A ऋणात्मक को अम्ल, और क्या कहते थे, अम्ल को अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, संयुग्मी क्षार युग्म हुआ कि नहीं हुआ, भाई ये अम्ल था यहां पर, देखिए अम्ल है कि नहीं है, अम्ल था, और यहां क्या बन गया, संयुग्मी क्षार बना के नहीं, तो ये क्या हो गया, संयुग्मी क्या हो गया, क्षार हो गया, आई बात समझ में, युग्म तथा, ध्यान देना तथा, समझना, यहां देखिए क्रियाकारक में क्या था, बी था, बी था कि नहीं था, बी था, और बी किस में परिवर्तन हो गया, एच बी में। अब देखिए पहले एच बी था और क्या बन गया, एच बी, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, ग्रहण किया है, नहीं किया है, किया है तो क्या हो गया, क्षार हो गया, तो क्या लिख देंगे, क्षार, क्षार हुआ कि नहीं हुआ, बी क्या हो गया, क्षार हो गया, ठीक है ना। अब आई बात समय क्या हो गया, क्षार हो गया, तो को लगा लेना, को क्षार, को क्षार, और इसको क्या कहेंगे, इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, क्या, प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन क्या होते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार। तो ये तो क्षार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये जो बना है वो क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल। तो लिख लेना, को क्षार संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल युग्म कहा जाता है, युग्म, युग्म कहा जाता है, आई बात समझ में, कहा जाता है संयुग्मी युग्म कहा जाता है, ध्यान देना, युग्म बना के नहीं बना, बना के नहीं बना भाई, बना, आ रही बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्रा बोर्ड पर नजर होना चाहिए, पूरी तरह से ध्यान दो बोर्ड पर। तो क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म कहा जाता है, तो देखिए ये क्या हुआ, क्षार हुआ कि नहीं हुआ, बी क्षार है, क्यों, इसने क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है, क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है, आई बात समझ में। और इसने क्या किया है, ये क्या हो गया यहाँ पर, जो प्रोटॉन ग्रहण किया है वो क्षार, और एच बी क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल, तो संयुग्मी क्षार, तो ये संयुग्मी क्षार संयुग्मी अम्ल हुआ, युग्म हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा युग्म है ये पूरा, ये पूरा कोष्टक अंग कौन सा युग्म है, ये क्षार संयुग्मी अम्ल है कि नहीं, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म है, आई बात समझ। यहां पर देखिए
ये क्या है? अम्ल है। तो ये क्या है? संयुग्मी क्षार है। तो कौन सा युग्म है ये? ये अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म है। आई बात समझ में? और समझिए उदाहरण के द्वारा, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगी पूरी तस्वीर आपके सामने। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, डेनिश रसायनज्ञ कौन था? जोहान्स ब्रोस्टेड। और अंग्रेजी वैज्ञानिक थॉमस एंड लॉरी ने अम्ल और क्षार की संकल्पना प्रस्तुत की। इनके अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटोन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटोन ग्राही होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और इन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक की अवधारणा प्रस्तुत की। अब चलते हैं उदाहरण से, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए भाई, H2O जल है, H2O अमोनिया से क्रिया कर रहा है। अमोनिया क्या हो गई? NH3। NH3 क्या है? अमोनिया है। आई बात समझ में? क्या है? अमोनिया है। और अभिक्रिया के बाद ये बना रहा है NH4 अमोनियम। मैंने एक बार भी कहा था कि अमोनिया और अमोनियम एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? अमोनियम। और शेष क्या बना बचा? OH-। समझना आप। तो देखिए ये जल है, क्या है? जल। ये क्या है? अमोनिया है। लिख देता हूं अमोनिया, जल के साथ घोली है, जलीय विलयन है अमोनिया। और ये क्या बन गया? अमोनियम। क्या बना है? अमोनियम बन गया। समझना क्या बना है? अमोनियम। अब देखिए, समझना प्रिय छात्र छात्राओं, बच्चों ध्यान देना, अमोनियम। तो देखिए समझना, ये जल है, ये क्या है? अमोनिया है। अब देखिए जल और अमोनिया क्या हो गए? क्रियाकारक हो गए। क्या हो गए? क्रियाकारक। और क्रिया के अंत में क्या प्राप्त हो रहा है? क्रिया के अंत में प्राप्त हुआ है हमें अमोनियम और हाइड्रोसिल आयन। अब देखिए भाई, यहां देखो, यहां इसमें हाइड्रोजन कितने थे? दो हैं कि नहीं है? और यहां हाइड्रोजन कितने रह गए? एक रहा के नहीं रहा। तो इसका मतलब इसने हाइड्रोजन को क्या किया है? दान दिया है। यानी एच को क्या दे दिया? दान दे दिया। क्यों? जल क्या होता है? प्रोटोन दाता होता है। यानी प्रोटोन दिया है इसने। एच का मतलब है प्रोटोन। हाइड्रोजन आयन के में आपको बताया, हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? प्रोटोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और इसकी संयोजकता किस्म होती है? प्लस में, इसलिए इसे प्रोटोन भी कह देते हैं। तो देखिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है कि नहीं दिया है? इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो देखिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। आई बात? एक इलेक्ट्रॉन दिया है कि भाई देखो, यहाँ H2O है और यहाँ शेष क्या रह गया? OH रहा के नहीं आया? तो प्रोटॉन क्या है? देता है। अब समझना, यहाँ लिख देना इस बात को, मैं लिख समझाने के लिए लिख रहा हूं, प्रोटॉन देता है। दिया है कि नहीं दिया है? प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन दे दिया भाई, H+ प्रोटॉन दाता। H मतलब हाइड्रोजन आयन जो होता है प्रोटॉन ही है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? जो संयोजकता प्लस में होती है वो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि समझना मेरी बात को, प्रोटॉन पर भी कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रोटॉन है। आई बात? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। बाकी जितने भी शेष तत्व हैं 117 आवर्त सारणी कुल 118 हैं, सब में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि इसको हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अमोनिया, अमोनिया हम देखिए, हाइड्रोजन कितने थे? तीन। और हाइड्रोजन कितने हो गए? चार हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब प्रोटॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। प्रोटॉन क्या किया है? इसने ग्रहण किया है। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉन लेता है। तो लिखना, इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, प्रोटॉन लेता है। लिया कि नहीं लिया है? प्रोटॉन लेता है। अब समझना, ध्यान देना, तो जिसने दिया है पे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो किसने दिया है? जल ने। तो जल तो क्या बन गया भाई? अम्ल बन गया। क्या बन गया? अम्ल। लिख लेना, ये हो गया अम्ल। हुआ क्या नहीं हुआ? अमोनिया ने क्या किया है? ग्रहण किया है। तो क्या हो गया? क्षार। आई बात? जो प्रोटॉन क्या होते हैं? दाता होते हैं। वो क्या होते हैं? अम्ल। जो प्रोटॉन क्या होते हैं? ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। आई बात में? क्या हो गया? क्षार। अब देखिए अमोनियम क्या हो गया? अमोनियम जो बना है वो कैसा है? यहाँ पर अमोनियम जो है, इसको हम क्या कहेंगे? अमोनियम को हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल, क्योंकि इसने प्रोटॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। भाई अमोनियम यहाँ पर क्या है? क्षार है। अमोनिया क्या है यहाँ पर? क्षार है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये अमोनियम बन गया। अमोनिया से क्या बन गया? अमोनियम। इसलिए मतलब इसने प्रोटॉन क्या किया है? ग्रहण किया। और जब प्रोटॉन ग्रहण करते हैं तो देखिए जो नया क्षार है वो क्या होगा यहाँ पर? संयुग्मी अम्ल होगा। क्या होगा? संयुग्मी अम्ल। तो अमोनियम क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल हो गया।
और OH जो है यहां पर जल क्या था, अम्ल था, तो वो मां क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार, जो यहां अम्ल है वो यहां संयुग्मी क्षार आ रही बात में, तो ये तो बन गया संयुग्मी क्षार। और जो यहां क्षार है वो क्या हो जाता है, संयुग्मी अम्ल, क्रिया अभिकारक के अभिक्रिया, जो क्रियाकारक अभिकारक जो क्रिया करते हैं, तो क्रिया के अंत में जो हमको क्रिया फल प्राप्त होते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है, जो अम्ल है वो न्या संयुग्मी क्षार, और जो न्या क्षार है वो संयुग्मी अम्ल। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया, अमोनियम। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, आई बात समझ में, ध्यान देना समझना कि भाई जल क्या है, बेपदार्थ प्रोटॉन दान होते हैं, जल ने क्या दिया है, प्रोटॉन का दान किया है, दान किया है तभी तो OH रह गया, रागिनी जो देता है वो क्या हो गया, अम्ल, और जो लेता है वो क्या हो गया, क्षार। क्या हो गया, क्षार। लेकिन क्रिया फल में चेंज हो जाते हैं, जो यहां पर अम्ल है वो यहां संयुग्मी क्षार होगा, जो यहां पर क्षार है वो संयुग्मी अम्ल होगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, आई बात समझ में, तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको समझाया, अब इसका थोड़ा सा विस्तार में लिखा देता हूँ, तो ध्यान देना बोर्ड तरफ, फिर इसको मैं विस्तार आपको और एक बार और क्लियर करूँगा। तो देखिए लिखाता हूँ उसके नीचे, तो देखते हैं, तो देखिए कि जल जो है, ध्यान देना यहाँ पर कि जल में लिख दिया है कि जल क्या है, प्रोटोन दाता है, जल है क्या है, प्रोटोन दाता है, क्योंकि कितने हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ दो, कितने दो, तो अम्ल है, क्या हो गया, अम्ल, जो प्रोटॉन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल। ये प्रोटॉन देकर क्या किया इसने, प्रोटॉन देकर संगत क्षार, संगत क्षार मतलब है OH, क्या है यहां पर H2O, क्या रह गया OH, जिसे कि संयुग्मी क्षार कहते हैं। क्या है संयुग्मी क्षार, मैंने बताया था जो यहां पर क्रियाकारक में अम्ल होता है वो क्रियाफल में संयुग्मी क्या होता है, क्षार होता है, और जो क्रियाकारक में क्या होता है, क्षार होता है, वो क्रियाफल में क्या होता है, संयुग्मी अम्ल होता है। और अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटोन ग्रहण किया है, अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटोन ग्रहण किया, और जो प्रोटोन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार। तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया, अतः क्या है, क्षार है, और ये प्रोटॉन ग्रहण करके संगत अम्ल, संगत अम्ल का मतलब है NH4 यानी अमोनियम। तो ये क्या, ये प्रोटॉन ग्रहण करके संगत अम्ल यानी NH4 अमोनियम आयन की संयुग्मी क्षार भी कहते हैं, अमोनियम आयन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल भी कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है, में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में, तो ये ध्यान देना कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जो क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार, जो क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ध्यान देना, और इन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की क्या दी, अवधारणा भी प्रस्तुत की थी। और इसमें ध्यान देना समझना कि जो अमोनिया है वो किस मतलब है, अमोनियम में, और H2O किसको में मतलब है, OH में, तो को हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म भी कहते हैं। और ये अंतर केवल किसकी वजह से होता है, एच आयन की उपस्थिति के अंतर के कारण ही बनते हैं, यानी एक केवल एक प्रोटीन के अंतर के कारण बनते हैं, यानी एक एच आयन के अंतर के कारण ऐसा होता है। तो ध्यान देना इस चीज को, इसमें लिख लेना, नोट करना इस बात को, पैराग्राफ चेंज कर लिख लेना N, ध्यान देना N, नोट करो इस बात को, समझना N, NH3 किस में बदल रहा है, NH4 में, किसमें, NH4 में, किस में बदल रहा है, NH4 में, ठीक है ना। तथा अपना कौन सा है, H2O, तो H2O किस में परिवर्तित हो गया, OH में, किस में, OH में, तो H2O किस में हो गया, OH में, को संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। तो लिख लेना को संयुग्मी, क्या कह देते हैं, को संयुग्मी, संयुग्मी अम्ल क्षार, क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल तथा क्षार, संयुग्मी अम्ल तथा क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं, संयुग्मी अम्ल तथा क्षार युग्म कहते हैं। आई बात समझे, यानी जो अमोनिया है वो अमोनियम में, और H2O वो हाइड्रोसिल आयन में, तो को संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं, क्षार युग्म कहते हैं। तो नोट करना इस बात को, और ये अंतर किसकी वजह से होता है, एक हाइड्रोजन की वजह से, तो इसको भी लिखना, नोट करना, लिखा रहा हूं, देखना। देखिए प्रिय छात्र छात्राओं,
कि जो ये युग्म बने हैं, जैसे NH3 से क्या बना है NH4, यानी अमोनिया से क्या बना है अमोनियम बना है, अमोनिया से क्या बना है अमोनियम, और जो जल है जल H2 हो गया, और H2O से जब एक प्रोटॉन चला गया यानी एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन गया OH, तो OH क्या हो गया हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड या इसको हाइड्रोसिल आयन के नाम से जानते हो। इस संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं, यानी जो ये अम्ल युग्म बने इन युग्मों को हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के नाम से जानते हैं। और ये जो अंतर आया है केवल एक एच की वजह से आया है, एक एच आयन की वजह से आया है, एक प्रोटोन की वजह से आया है। समझना, गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं कि ये केवल, लिखना इस लाइन को नोट कर लेना, ये केवल ध्यान देना है, ये केवल एक प्रोटोन, और एक प्रोटोन का मतलब होता है समझना एच आयन, क्या होता है एच आयन। तो बच्चों ध्यान देना कि ये केवल एक प्रोटॉन या एच आयन की उपस्थिति या एच आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन, यानी एक प्रोटॉन या इसको क्या बोल देते हैं एच आयन, क्या बोल देते हैं एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन, एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, यानी ये केवल एक प्रोटॉन या एच आयन की उपस्थिति के अंतर के कारण ही बनते हैं, की उपस्थिति के अंतर के कारण बनते हैं। आई बात में बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, तो ध्यान देना कि ये जो अंतर है उपस्थिति के कारण बनते हैं, समझना, इनमें जो केवल एक अंतर है, अंतर क्या है कि भाई समझना ध्यान देना कि यह अमोनिया था और अमोनिया में एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया अमोनियम हो गया, तो एक एच का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, एक हाइड्रोजन आयन का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रोटॉन आयन का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसी तरह देखिए H2O क्या है जल है, क्या है जल है, क्या है इसमें जल है, समझना कि भाई ये जो केवल एक अंतर हुआ है किसकी वजह से हुआ है एच आयन की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है एक एच आयन की वजह से हुआ है, क्योंकि ध्यान देना ये भाई ये अमोनिया, अमोनिया किस में बदल गया अमोनियम में, किसमें अमोनियम, तो किसका अंतर है एक एच का, न्या एच कितने 3, न्या एच कितने हो गए 4। इसी प्रकार जल में देखो, जल में हाइड्रोजन कितने 2, और यहाँ पर OH हाइड्रोसिल आयन में कितना 1, तो जो भी अंतर आया है किसकी वजह से आया है केवल एक, किसकी वजह से एक एच आयन की वजह से, एक या एक किसकी वजह से एक प्रोटॉन की वजह से, तो नोट कर लेना इस बात को, ये केवल एक प्रोटॉन या एच आयन की उपस्थिति के अंतर के कारण क्या होते हैं बनते हैं। आई बात समझ में, और एक उदाहरण में इसका और बता देता हूँ आपके लिए, ध्यान देना HCl और HCl क्रिया कर रहा है किस, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किससे क्रिया कर रहा है H2O से, किससे H2O से यानी जल से क्रिया कर रहा है, और क्रिया के बाद क्या बना देता है Cl प्लस H3O यानी हाइड्रोनियम आयन, क्या बना देता है हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो समझना प्रिय छात्र छात्राओं कि देखिए यहाँ पर HCl था, एक H इसने क्या कर दिया, एक प्रोटॉन दाता है, तो इसने देखो क्या किया है दिया है, प्रोटॉन देता है, तो देखिए इसने क्या किया है प्रोटॉन देता है, और आप जानते हैं जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है अम्ल होता है। ब्रोस्टेन लॉरी ने ये बात तो बताई थी कि जो क्या होते हैं प्रोटॉन देते हैं क्या होते हैं अम्ल, तो ये अम्ल हो गए, और ये क्या हो गया क्षार, क्यों ये क्या करता है प्रोटॉन क्या करता है लेता है, इसने प्रोटॉन क्या किया है ग्रहण किया है, तो प्रोटॉन लेता है, क्या करता है प्रोटॉन लेता है, तो इसने प्रोटॉन क्या किया है लिया है, और इसने प्रोटॉन क्या किया है दिया है। तो समझना नोट समझना इसको, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण। तो देखिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक एच है कि नहीं प्रोटॉन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है कि एक प्रोटॉन एच आयन, प्रोटॉन क्या कर दिया दे दिया, जो देता है वो क्या हो गए अम्ल हो गए, और यहाँ देखिए जल में हाइड्रोजन कितने थे 2, एक हाइड्रोजन ले लिया है, तो ले लिया तो क्या कितने हो गए 3, कितने हो गए 3, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना के नहीं बना, एक हाइड्रोजन इस पर प्लस लगा लेना तो हाइड्रोनियम आयन बना के नहीं बना, और जब हाइड्रोनियम आयन बन गया तो ये अम्ल है और ये क्षार है, तो देखिए जो ये अम्ल है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर संयुग्मी क्या हो जाएगा क्षार हो जाएगा, संयुग्मी क्या हो जाएगा क्षार, और जो क्षार है वो क्या हो जाएगा संयुग्मी क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, तो देखिए ये संयुग्मी क्या हो गया अम्ल हो गया। आई बात समझ में,
ध्यान देना कि यहां पर जो ये क्या है, अम्ल है, अम्ल है कि नहीं है, तो अम्ल है तो क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा, और जो यहां क्षार है वो संयुग्मी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्योंकि ये क्षार क्यों है, कि उसने प्रोटॉन ग्रहण किया है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, वो क्या होता है, क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है, और जो प्रोटॉन क्या करता है, देता है, तो इसने दिया है, तो क्या हो गया, ये देता है, क्या हो गया, अम्ल। जो अम्ल है क्रिया कारक में, वो क्रिया फल में क्या होगा, क्षार होगा, लेकिन कैसा, संयुग्मी क्षार। तो ये आपकी परिभाषा थी ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार, और उन्होंने बताया बेपदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, बेपदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्षार कहलाते हैं, और उन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा प्रस्तुत की। और नेक्स्ट इसमें जो अगला टॉपिक है अम्ल क्षार की लुईस परिकल्पना, कि कुछ अम्ल और क्षार ऐसे होते हैं जिनको हम ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार इसको सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर नई परिकल्पना दी, और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर नई परिकल्पना किसने दी, लुईस ने, किसने दी थी, लुईस ने। तो नेक्स्ट अगली क्लास में ध्यान देना बच्चों, प्रिय छात्र छात्राओं, आपको लुईस के द्वारा अम्ल और क्षार की परिभाषा आपको पढ़ाएंगे। तो अब तक मैंने आपको इसमें बताया ब्रॉस्टेन लॉरी के अनुसार, ब्रॉस्टेन लॉरी जो था उसके अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा, तो इसको नोट कर लेना, लिख लेना, नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स, ओके।